और धर्म पत्नी में अंतर माना जाता है। आपने कई पुराण श्रवण कर रखे होंगे और पढ़े भी होंगे, सब जगह पति को साधारण उद्बोधन दिया है पति, और श्रीमती के नाम के आगे लिखा गया क्या, धर्म पत्नी। धर्म पति नहीं लिखा गया कहीं भी, क्या लिखा गया है, धर्म पत्नी। पटेल साहब क्या लिखा है, जो धर्म करवाए। तो धर्म पति क्यों नहीं लिखा गया पुराण में, कि जो देवता जो पतिदेव ऑफिस जाएगा, दुकान पे जाकर बैठेगा, दुकान जो चला रहा है, व्यापार है, व्यापार कर रहा है, तो जो माल जितने में खरीदा है उतने में तो देगा नहीं, उस तो अपना फायदा निकालेगा। आटे में नमक जितना जाता है उतना तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। गृहस्थ चलाना है, घर चलाना है तो महाराज, इसलिए इनके नाम के आगे हटा दिया धर्म, इसके नाम के आगे लगाया। अब जब ये घर जाएगा, दुकान से घर जाकर किसके हाथ में लक्ष्मी जी देगा, लक्ष्मी जी के हाथ में लक्ष्मी जी देगा। और जो घर की लक्ष्मी है, जो धर्म पत्नी है, उसका क्या धर्म है, बोले उस धन में से उसको पता है कि पतिदेव लाए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो झूठ बोले ही होंगे, तो उसमें से भी निकाल कर 10% की नहीं, इसमें मेरा इसको पवित्र करना है, अगर पूरा का पूरा रख लूंगी तो पूरा का पूरा चला जाएगा, इसलिए इसमें से थोड़ा सा निकाल कर थोड़ा पुण्य में लगा देते हैं। कोई सेवा कर रहा है तो उस सेवा में लगा देते हैं, और जो महाराज पति लाए उसमें से निकाल कर 10% नारायण सेवा संस्थान जैसी संस्थान जो सेवा करे उसमें जो लगा देता है, तो उस श्रीमती के नाम के आगे लिखा जाता है धर्म पत्नी। पत्नी कौन, पति लाए और लाकर रख ले अपने पास, लाकर रख ले अपने पास, और उसको क्या करे, बोले उसको डेंट पेंट में खत्म कर दे, वह पत्नी। और जो पति लाए उसमें से थोड़ा सा निकाल कर अपने पास रखे पर उसे धर्म में ही लगाए, सो धर्म पत्नी। क्या नाम दिया धर्म पत्नी, क्यों दिया, बोले धर्म पत्नी उसे कहा गया है जो इतना धर्म करे कि धर्म करके खुद भी वैकुंठ जाए परमात्मा के धाम को, और अपने पति का हाथ पकड़ के पति को भी वैकुंठ ले जाए, उसे धर्म पत्नी माना जाता है।